जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल सत्यार दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की जो कहानी है, ये तीन प्रकार की स्त्री अपने पति से प्रेम करने का झूठा नाटक करती हैं, इनसे तो परमात्मा ही रक्षा करे। साथियों, आज का जो विषय है, आज की जो कहानी है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। साथियों, यदि आपने आज की कहानी ध्यान से सुन ली, उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप कभी दुष्ट स्त्रियों के चंगुल में नहीं फंस सकते। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है, इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, कृपया आज की इस वीडियो को समाप्ति तक अवश्य श्रवण करें। तो चलिए साथियों, आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज का ये प्यारा सा प्रसंग। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, कौसाम्बी नगर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यभान। सूर्यभान बहुत ही कर्तव्यपरायण और प्रजाहितेशी राजा था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी अपने पति उस राजा से अक्सर नाराज रहती थी। भक्तों, नाराज रहने के दो कारण थे। एक तो था, राजा अपनी प्रजा की देखरेख में अपनी रानी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, और दूसरा कारण था कि राजा अपनी रानी से उम्र में थोड़ा बड़ा था। यही दो कारण थे जिसकी वजह से उस राजा की वो रानी अपने पति उस राजा सूर्यभान से नाराज रहती थी। सूर्यभान अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करता था। राजा भी चाहता था कि मैं अपनी रानी को समय दूं, लेकिन राजा अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहता कि वह चाहकर भी अपनी रानी को उसके मन मुताबिक समय नहीं दे पाता। साथियों, एक दिन की बात है, राजा अपने राजदरबार का काम छोड़कर जब रानी के महलों में पहुंचा, तो वो रानी कहने लगी, पियाजी, मुझे बहुत दिन हो गए अपने माता पिता के घर गए हुए। इसलिए पियाजी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने माता पिता के घर जाऊं और घर जाकर अपने माता पिता से मिलूं, और मैं चाहती हूं कि इस बार तुम भी मेरे साथ मेरे माता पिता के घर चलो। रानी की बात सुनकर वो राजा कहने लगा, नहीं प्रिय, अभी राजकाज के बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, हम फिर कभी तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। राजा की बात सुनकर वो रानी कहने लगी, पियाजी, तुम्हारे पास सभी के लिए तो समय है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास एक पल का भी समय नहीं है। यदि पियाजी तुम्हें अपना राजकाज ही देखना था, प्रजा ही देखनी थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? रानी की ऐसी बात सुनकर वो राजा बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का भी ध्यान रखे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वो रानी कहने लगी, पियाजी, यह तो राजरोग है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। यदि पियाजी तुम मेरे साथ नहीं चलते, तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है। साथियों, राजा ने अपनी पत्नी के ये वचन सुने और उसे जब हताश निराश देखा, तो राजा कहने लगा, प्रिय, अच्छा तुम उदास मत हो, यदि तुम्हारी ये ही इच्छा है, तो हम कल प्रातः होते ही तुम्हारे मायके के लिए तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। साथियों, रानी ने जब अपने पति के ये वचन सुने, तो ये सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और राजा पर अपना प्रेम लुटाने लगी। तभी राजा को कोई आवश्यक कार्य याद आ गया, और राजा अपने उस आवश्यक कार्य हेतु अपने राजदरबार को चला गया। भक्तों, अगला दिन हुआ, तो राजा अपनी रानी को लेकर उसके माता पिता के घर के लिए चल देता है। मित्रों, रानी का जो मायका था, वो राजा के नगर से काफ़ी दूर था। रानी के मायके को जो रास्ता गुजरता था, वो एक बियाबान जंगल से होकर गुजरता था। भक्तों, राजा रानी चले ही जा रहे थे कि चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। जब वे दोनों पति पत्नी जंगल के मध्य पहुंच गए, तो रानी को
प्यास लगने लगी। जब रानी को प्यास ज्यादा सताने लगी तो रानी अपने पति से कहने लगी, पियाजी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, यदि मुझे समय रहते पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेड़ू निकल जाएंगे। राजा ने अपनी रानी के ये वचन सुने तो राजा कहने लगा, प्रिय थोड़ा धीरज रखो और थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई पानी का स्रोत मिल जाए। अपने पति की ये बात सुनकर रानी राजा के साथ साथ चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद रानी फिर से कहने लगी, पियाजी अब मुझसे बिना पानी के इससे आगे एक कदम नहीं चला जा रहा। पियाजी आप तत्काल जाकर जल की तलाश करो, यदि मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। साथियों, राजा ने जब रानी के ऐसे वचनों को सुना तो राजा ने रानी को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और स्वयं पानी की तलाश में चल देता है। मित्रों, वो ऐसा जंगल था जहाँ 12 कोस आगे और 12 कोस पीछे तक पानी की एक बूंद नहीं थी। राजा को पानी की तलाश करते करते जब काफ़ी देर हो गई लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, तब राजा थोड़ा और आगे बढ़ा तो राजा देखता है कि एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे एक कुआ बना हुआ है और उसी कुआ के समीप आम की वृक्ष की छाया में एक सुंदर कद काठी वाला एक नौजवान बैठा है, जिसके कपड़े फटे हुए थे और देखने में भिखारी सा दिख रहा था और बैठा हुआ अपनी ही धुन में चिकाड़ा बजा रहा है और कोई मधुर राग गा रहा है। जब राजा ने कुआ देखा तो कुआ देखकर राजा को बड़ी ही शांति मिली। राजा कुआ तलाश करने के बाद अपनी रानी के पास पहुंचा और अपनी रानी को वहीं ले गया जहां कुआ था। राजा ने कुएं से पानी निकाला, पानी निकालने के बाद रानी को पिलाया और खुद ने भी पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। जब दोनों की प्यास बुझ गई तो राजा रानी उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, प्रिय शाम होने वाली है और रात्रि के समय इस बियाबान जंगल में यात्रा करना उचित नहीं है, इसलिए आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं, इससे आगे का सफर हम कल तय करेंगे। इसलिए रानी अब तुम भोजन बनाओ और मैं कुएं पर जाकर स्नान करके आता हूँ। साथियों, ऐसा कहकर राजा कुएं पर स्नान करने के लिए चला जाता है। राजा तो स्नान करने के लिए चला गया, उधर जब रानी ने भिखारी का गाना सुना और जब उसके कदकाठी रूप और यौवन को देखा तो उस भिखारी को देखकर, उसके रूप को देखकर रानी उस भिखारी पर मोहित हो गई। राजा कुएं से नहा धोकर वापस लौटा। वापस लौटकर अपनी रानी के साथ उसने भोजन किया। साथियों, पूरे दिन का थका हारा राजा भोजन करने के पश्चात जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, लेटने के साथ ही गहरी निद्रा में चला गया, क्योंकि एक तो पूरे दिन का सफर तय किया था, दूसरा पानी की तलाश में भटकता रहा था। यही कारण था जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेटने के साथ ही नींद आ गई। जब राजा सो गया तो रानी आहिस्ते से राजा के पास से उठती है और वहीं पहुंच जाती है जहां वो भिखारी बैठा हुआ अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में मगन गा रहा था। रानी उस भिखारी के पास पहुंचकर उस भिखारी से कहने लगती है कि प्यारे, मैंने जब से तुम्हारा गाना सुना है और जब से तुम्हारे रूप को निहारा है, मैं तुम पर मर मिटी हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अब जीऊँगी तो तुम्हारे साथ जीऊँगी और मरूँगी तो तुम्हारे साथ मरूँगी। कृपया करके इस दासी को आप अपना लो और मुझे अपने साथ ले चलो। रानी की बात सुनकर वो भिखारी डरते हुए बोला, रानी आप मुझे माफ करें, भला मैं एक राजा की पत्नी को कैसे भगाकर ले जा सकता हूँ। अगर ये बात राजा को मालूम पड़ गई तो वो मेरी खाल खिंचवाकर भूस भरवा देगा। भिखारी की ये बात सुनकर वो रानी कहने लगी, प्राण प्यारे, हम रात ही रात में इतनी दूर चले जाएंगे कि राजा
हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। जब ढूंढ ही नहीं पाएगा तो राजा हमारा कुछ अनर्थ भी नहीं कर पाएगा। भिखारी ने रानी से कहा, रानी मैं कहाँ ठहरा भिखारी और तुम कहाँ राजा की पत्नी, तुम मेरे साथ कैसे अपना जीवन यापन कर पाओगी। साथियों, भिखारी ने रानी को बहुत समझाया लेकिन रानी नहीं मानी, वह उसके साथ चलने की जिद पर अड़ गई। जब रानी बिल्कुल ही पीछे पड़ गई तो उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है मैं तुम्हें साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें मानना होगा। रानी बोली, ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तब भिखारी ने उस रानी से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या तुम्हारी ये ही इच्छा है तो मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें राजा को कुएं में धकेलना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाती हो तो मैं तुम्हें अवश्य साथ ले चलूंगा। साथियों, आज वो रानी भिखारी का कहना मानकर अपने पति को, जिसके साथ कभी उसने साथ फेरे लिए थे, आज वासना के बसीभूत होकर अपने पति को मारने के लिए चल देती है। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो पूरे कुन को ढकले, ना तो नंगी की नंगी है। भक्तों, वो रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाने लगी और कहने लगी, पियाजी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप कुएं से मेरे लिए पानी निकाल दीजिए। भक्तों, राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। जब राजा ने अपनी रानी के ये वचन सुने तो यह सुनकर राजा आंखें मलता हुआ उठा और अपनी रानी को साथ लेकर कुएं के पास पहुंच गया और कुएं से पानी निकालने लगा। साथियों, राजा ने जैसे ही पानी निकालने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में डाली, वैसे ही रानी ने पीछे से राजा को जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने के साथ राजा धड़ाम से कुएं में जा गिरा। जब उस दुष्ट रानी ने राजा को कुएं में धकेल दिया, जब भिखारी और रानी ने ये निश्चय कर लिया कि राजा कुएं के पानी में डूब चुका है, तो भिखारी रानी को लेकर चल देता है और वहां से भागकर दोनों किसी अन्य नगर में पहुंच जाते हैं। भिखारी के पास और कुछ तो था नहीं, बस एक चिकाड़ा था। भिखारी उस चिकाड़े को बजाता और गाता और रानी उस चिकाड़े की धुन पर नाचती। रानी का नाच देखकर लोग उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते, उसी से उनका पेट भरता, यही अब उनकी आजीविका का साधन था। साथियों, इधर तो वो रानी नाच गाकर उस भिखारी के साथ अपना जीवन यापन करने लगी, उधर जो राजा था जिसे रानी ने धक्का दे दिया था वो कुएं में डूबा नहीं। क्योंकि साथियों, आपने भी देखा होगा कि पहले के समय में जितने भी कुएं बनाए जाते थे उनमें एक लोहे की जंजीर लगी होती थी। रानी ने जब राजा को धक्का दिया तो राजा कुएं में गिरा तो, लेकिन गिरने के बाद जैसे ही पानी के बेग ने राजा को ऊपर को उछाला तो राजा ने कुएं के अंदर पड़ी लोहे की जंजीर को पकड़ लिया और उसी जंजीर के सहारे राजा लटका रहा। राजा को कुएं में लटके लटके जब कई दिन बीत गए तो भक्तों, होनहार की बात, एक दिन एक पशुओं का व्यापारी अपने पशु लेकर अपने सहकर्मियों के साथ उसी मार्ग से गुजरा। उस व्यापारी के पास बहुत से मवेशी थे जिनकी पीठों पर अनाज लदा हुआ था। उस व्यापारी की नज़र जब उस कुएं पर पड़ी तो वो व्यापारी सोचने लगा कि क्या पता आगे पानी कितनी दूरी पर मिले, मैं एक काम करता हूँ कि अपने पशुओं को यहीं पर पानी पिला देता हूँ और थोड़ी देर इसी आम के वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूँ। साथियों, ये विचार कर जैसे ही उस व्यापारी ने कुएं से जल खींचने के लिए रस्सी बाल्टी लटकाई, वैसे ही उस राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। उस व्यापारी ने जब रस्सी को ऊपर खींचा तो उस व्यापारी से रस्सी नहीं खींची। जब रस्सी नहीं खींची तो व्यापारी सोचने लगा, शायद बाल्टी किसी चीज में अटक गई है। बाल्टी देखने के लिए व्यापारी ने कुएं के भीतर झांका तो वो व्यापारी ये देखकर हैरान रह गया
कि कुएं में बाल्टी को किसी मनुष्य ने पकड़ रखा है। जब व्यापारी ने मनुष्य को देखा तो उसने अपने सभी नौकर बुलाए। सभी नौकरों ने और व्यापारी ने जब ताकत लगाई तो उन्होंने राजा को बाहर निकाल लिया। जब राजा कुएं से बाहर आ गया तो व्यापारी पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर गए? व्यापारी की बात सुनकर वो राजा बोला, मित्र मैं किसी कार्य से जा रहा था तो मुझे प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो मैं इस कुएं से पानी निकालने लगा। जब मैं पानी निकाल रहा था तभी एक बहुत जोर का हवा का झोंका आया जिसकी वजह से मैं इस कुएं में जा गिरा। जब व्यापारी ने पूछा, तुम्हारा घर ठिकाना कहाँ है? तो वो राजा कहने लगा, भाई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। साथियों, व्यापारी ने कहा, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो राजा कहने लगा, मित्र एक एहसान मुझ पर और कर दो, मुझे अपने साथ ही रख लो, क्योंकि यदि तुम नहीं आते तो कुछ क्षण बाद ही मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती और मेरी मृत्यु हो जाती। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए अब से ये जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। साथियों, जिस रानी को वो राजा अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था, जब उसने राजा के साथ विश्वासघात किया तो राजा का मन दुनियादारी राजपाट सबसे ऊब गया। राजा सोचने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और अब मैं शेष जीवन इसी व्यापारी के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इसी के साथ गुजारूंगा। साथियों, इसी कारण राजा ने अपनी असली पहचान उस व्यापारी से छुपा ली और उस पशु व्यापारी के साथ गांव-गांव शहर-शहर भटकने लगा। साथियों, एक दिन की बात, उस व्यापारी का काफिला एक नगर में पहुंचता है। जब व्यापारी का काफिला उस नगर में पहुंचा तो वो पशुओं का व्यापारी उस नगर के राजा से एक रात ठहरने के लिए अनुमति लेने राजदरबार में जा पहुंचा और राजा से एक रात उसके नगर में ठहरने के लिए अनुमति मांगने लगता है। वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वो राजा कहता है, मित्र तुम हमारे अतिथि हो, आप अपने पशुओं और सहकर्मियों के साथ जब तक चाहो हमारे नगर में रुक सकते हो और मित्र आज रात का खाना भी तुम हमारे साथ ही खाना और आज रात्रि हमारे रंग महल में एक नर्तकी भी अपना नृत्य दिखाएगी, आप उसका नृत्य देखने भी जरूर आना। व्यापारी उस राजा को धन्यवाद देता है और रात को आने का वादा करके अपने पशुओं के पास लौट जाता है। साथियों, जैसे ही रात होती है वो व्यापारी अन्य नौकरों को तो पशुओं के पास छोड़ता है और उस राजा को जिसे कुएं से निकाला था उसे अपने साथ लेकर राजा के महलों के लिए चल देता है। राजा व्यापारी और व्यापारी के साथ आए उस राजा सूर्यवाहन को शाही भोजन कराता है। उसके बाद राजा अपने दोनों अतिथियों को लेकर रंगमहल पहुंचता है। जब राजा सूर्यवाहन व्यापारी के साथ उस नगर के राजा के रंगमहल में पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक कर नाच रही है और वह भिखारी जो उसे बियाबान जंगल में मिला था गीत गा रहा है। नर्तकी बनी रानी ने जब अपने पति राजा सूर्यवाहन को देखा तो देखते ही वो पहचान लेती है। राजा सूर्यवाहन को देखकर वो रानी बहुत ही आतंकित हो उठी। वह सोचने लगी कि यह डूबने से कैसे बच गया, यदि इसने मुझे पहचान लिया तो ये मेरी सारी पोल पट्टी खोल देगा, यदि मेरी पोल पट्टी खुल गई तो यहाँ का जो राजा है वो या तो मुझे कारागार में डाल देगा या मुझे मृत्यु दंड दे देगा। भक्तों, उस रात उस नर्तकी बनी रानी ने बहुत ही सुंदर नृत्य पेश किया। साथियों, सारी रात उस रंग महल में नर्तकी बनी रानी ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब उस नर्तकी बनी रानी ने अपने नृत्य का समापन किया तो रंग महल में बैठे सभी दरबारियों ने उस नर्तकी की बहुत तारीफ की। राजा भी
उस नर्तकी का नृत्य देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा था। राजा प्रसन्न होते हुए बोला, बताओ नर्तकी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने हमें खुश कर दिया है, तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। नर्तकी बनी रानी ने विनय पूर्वक कहा, महाराज दुहाई हो, बस आप अपनी हम पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमें आपका रुपया पैसा चाहिए और ना ही हमें तुम्हारे धन दौलत की आवश्यकता है। हमें आपका रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। नर्तकी की बात सुनकर वो राजा बोला, तुमने जो नृत्य किया है वैसा नृत्य हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमें सच्चे कलाकार लगते हो, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। साथियों, यह सुनकर वो रानी बोली, महाराज देख लो, यदि हमने आपसे कुछ मांगा और आप हमें ना दे पाए तो? नर्तकी की बात सुनकर वो राजा बोला, नर्तकी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो हमसे निसंकोच कहो, हम तुम्हें अवश्य ही दे देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जब नर्तकी बनी रानी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने राजा को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है, अब मैं जो भी मांगूंगी वो राजा अवश्य देगा, तो वो नर्तकी कहने लगी, महाराज अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा हुआ है, उसे आप फांसी पर चढ़ा दो। साथियों, जब राजा ने पूछा कि हमारी सभा में तुम्हारा कौन चोर है और तुम्हारा क्या चुराया है, हमें स्पष्ट बताओ, यदि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो हम उसे अवश्य फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा की ये वचन सुनकर रानी ने अपनी उसी पति की तरफ इशारा कर दिया जिसे वो कुएं में ढकेल आई थी और कहने लगी, महाराज ये ही वो चोर है जिसने हमारी इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया। नर्तकी की बात सुनकर पशुओं का व्यापारी खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज ये नर्तकी झूठ बोल रही है, क्योंकि 6 महीने से तो यह व्यक्ति मेरे साथ है और आज ही मेरे साथ आपके नगर में आया है, फिर इसने इसकी इज्जत पर कैसे हाथ डाल दिया? राजा ने कहा, व्यापारी आप खामोश बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं, इसलिए इस बात का निर्णय भी हम ही करेंगे कि कौन दोषी है और कौन मुजरिम है। साथियों, राजा की ये वचन उस व्यापारी ने सुने तो व्यापारी बेचारा खामोश हो गया। राजा ने आदेश दिया कि व्यापारी के नौकर को बंधक बना लिया जाए। राजा के आदेश का तुरंत ही पालन हुआ और राजा सूर्यवाहन को राजा के सिपाहियों ने बंधक बना लिया। जब नौकर बने राजा को सिपाहियों ने बंधक बना लिया तो वो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि महाराज, एक राजा का कर्तव्य होता है कि पहले दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुने, उसके बाद ही वो किसी निर्णय पर पहुंचे। महाराज पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। राजा ने कहा, ठीक है अपनी बात रखो, तुम क्या कहना चाहते हो? राजा की बात सुनकर वो व्यापारी का नौकर बोला, राजन आपके सामने जो स्त्री खड़ी है, जो नर्तकी बनी खड़ी है, वो मेरी पत्नी है और मैं कौसाम्बी नरेश सूर्यवाहन हूँ। राजन मैं अपनी इस पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए मैं प्रेम के कारण इसके अवगुणों को नहीं पहचान सका। महाराज एक दिन मैं इसकी बातों में आकर बिना किसी राजसी ठाट बाट के एक साधारण मनुष्य की तरह इसके साथ इसके मायके के लिए चल दिया। महाराज जब मैं इसके साथ एक बियाबान जंगल में पहुंचा तो जो सामने पुरुष खड़ा है ये हमें वहां पर मिला। मेरी रानी का दिल इस पर आ गया, महाराज मैं पूरे दिन का थका हारा था, जब मैं सो गया तो इन दोनों ने एक योजना बनाई और मुझे कुएं में डाल दिया। वो तो महाराज ईश्वर की कृपा हुई और परमात्मा ने इस व्यापारी को
देवदूत बनाकर भेज दिया और इसने मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो मैं वही कुएं में पड़ा पड़ा ही मर जाता। जब सभी दरबारियों ने नौकर बने राजा की बात सुनी तो सभी दरबारी, राजा और व्यापारी हैरान रह गए। जब राजा ने उस नर्तकी से क्रोध में आकर पूछा तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथियों, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो राजा भी कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती होई। उसके बाद मित्रों, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस दुष्ट स्त्री और इसके प्रेमी को नगर के बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। राजा के आदेश का सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। उस नर्तकी और उसके प्रेमी को लेकर नगर के चौराहे पर चले जाते हैं। उसके बाद उस राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का सूर्यबहन के साथ विवाह कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर फिर अपनी पुत्री को विदा किया। तो साथियों, ये तो थी कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि ये तीन प्रकार की स्त्री अपने पति से झूठे प्रेम का दिखावा करते हैं। ऐसी स्त्रियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। पहली है, जो स्त्री अपनी संतान और अपने पति को छोड़कर चली जाए, ऐसी स्त्री पर कभी भी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने जाए बच्चों और जिसके साथ सात फेरे लिए हों उसकी नहीं हुई तो वो भला तुम्हारी क्या होगी। ऐसी स्त्री पर कदापि भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री पर विश्वास करने का अर्थ है अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। साथियों, जो दूसरी स्त्री है वो है लालची स्वभाव वाली स्त्री। भक्तों, जो स्त्री तुच्छ धन के लालच में अपनी आन बान और शान का सौदा कर देती है, ऐसी स्त्री भी कभी किसी की सगी नहीं होती। वो केवल पैसों से ही प्यार करती है और जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारा साथ देती है। जिस दिन उन्हें लगने लगता है अब आप पर कुछ नहीं बचा, उसी दिन आपको छोड़कर दूसरे की तलाश में निकल जाती हैं और आपको घृणा भरी नज़रों से देखने लगती हैं। साथियों, कभी भी लोभी स्त्रियों का संग कदाप नहीं करना चाहिए और ऐसी लोभी स्त्रियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। तीसरी है, व्यभिचारी स्त्री। साथियों, ऐसी स्त्रियों को ना आपसे मतलब होता है और ना इन्हें आपके मान सम्मान की फिक्र होती है। व्यभिचारी कोई भी हो सकता है, एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकती है। ऐसे लोग जहां तहां मुंह मारते फिरते रहते हैं, ऐसी स्त्री पुरुषों से भी सदैव बचकर रहना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते। साथियों, हम ये नहीं कहते कि सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं या सभी पुरुष अच्छे ही होते हैं। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही कोई भी स्त्री पुरुष एक समान नहीं होते। कुछ बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत बुरे होते हैं। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा कही बातों को समझ गए होंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।